हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नागपुर में 15 अगस्त का क्या माहौल था शुरू से लेकर आखिर तक। इस वीडियो में बने रहना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सेकंड पार्ट है ये इस वीडियो का। फर्स्ट नागपुर ब्लॉग मैंने इसके पहले डाल चुका हूँ अपने चैनल पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो वहाँ से जाके आप लोग इस ब्लॉग को, नागपुर ब्लॉग को देख सकते हो। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें मैं 15 अगस्त के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, या तो फिर आप इस आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। ओके, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना और चलो मैं आप लोग को बताता हूँ नागपुर के 15 अगस्त की जर्नी को। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं हम 15 अगस्त की अपने इस प्यारे से तिरंगे से। और ये है तिरंगा, मेरे घर के पास में ही ये ग्राउंड पर लगा हुआ था, तो मैं सुबह उठा और ये देखा तो मज़ा आ गया। इसके बाद शाम होती है तो बारिश हो रही थी, तो हम लोग निकल पड़े गाड़ी में बैठ के। ये है फुटाला लेक का एक छोटा सा व्यू। इसके पीछे ही एक फुटाला तालाब है जो कि मतलब लाइटिंग वगैरह अच्छी सजी हुई थी यहाँ पर। और ये है वायुसेना का हेलीकॉप्टर जो कि यहाँ रखा हुआ था फुटाला लेक पर। इसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठ के निकल गए। ये सामने आप जो देख रहे हो ये है RBI बैंक नागपुर का। तो बारिश रुक नहीं रही थी तो हम लोगों ने गाड़ी पर बैठ के ही शूट कर लिया था। मतलब लाइटिंग ही लाइटिंग चारों तरफ दिखाई दे रही थी, बारिश क्योंकि रुक नहीं रही थी तो हम लोग गाड़ी से ही घूम रहे थे। कहीं उतरने का और कहीं मतलब अच्छे से वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिला। और ये है नागपुर की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग जिस पर अभी स्टे लगा हुआ है, काम चल रहा है इसका। खलुजास बिल्डिंग बोलते हैं इसको, खलुजा की बिल्डिंग है। और पूरी लाइटिंग से सजी हुई थी ये बिल्डिंग, इतनी प्यारी लग रही थी कि क्या ही बताएं। इंस्टाग्राम पर भी मैंने इसकी पोस्ट किए हैं। ये है यहाँ का मॉल, नागपुर का मॉयल, जिसे मॉयल के नाम से जानते हैं, यहाँ का मॉल है। और ये बिल्डिंग देखो हर जगह से दिखेगी आपको। ये ब्रिज पर आ गए हम लोग। ये है नागपुर की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग जो कि हर जगह से दिख जाती है। मतलब लाइटिंग तो उस पर यार क्या ही बताएं, तिरंगा खड़ा हो एक। पूरे नागपुर से ये बिल्डिंग दिखती है और बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो जाओ तो मतलब पूरा नागपुर दिख जाएगा। ये देखो बारिश बहुत तेज होने लगी थी इस समय, यहाँ पर पूरा ब्रिज पे पानी पानी था। और ये है दोस्तों बर्डी, नागपुर का बहुत बड़ा मार्केट है बर्डी मार्केट। और इसी से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मतलब रेलवे स्टेशन आ जाएगा। तो देखो दोस्तों ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन जो कि 15 अगस्त के दिन सजा हुआ था, तो मतलब एकदम झकास लग रहा था क्या ही बताऊँ मैं। ये पूरा रेलवे स्टेशन नागपुर का रेलवे स्टेशन है, फ्रंट मेन गेट। और यहाँ पर आगे रखा हुआ था एक हल्दीराम का डब्बा, रेल का डिब्बा, जिसमें कि एक छोटा सा होटल बना हुआ था हल्दीराम का। अगर कोई भी पैसेंजर वगैरह वहाँ से बाहर से आता है तो हल्दीराम के डब्बे में बैठ के नाश्ता पानी या फिर जो भी खाना वगैरह चाहे तो वो खा सकता है। ये देख सकते हो आप यहाँ का रेलवे स्टेशन। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।